क्या लगता है, ये लड़की ने 78 साल के बुड्ढे के साथ मैरिज क्यों किया? पैसों के लिए और क्या। देखो कैसे सती सावित्री की तरह खड़ी है, अब तो सारी की सारी दौलत इसी की है। रोज, एक और शिकार। आशुतोष का कैबिन कहाँ है? हेलो मिस रोज एंथनी, आज से ये हमारे हॉस्पिटल में बतौर हेड नर्स ज्वाइन करेंगी। आई मेक ए मूव, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष। हेलो, दिस इज मैट्रन राधिका। थैंक यू। ये है सिस्टर श्वेता। हेलो। ये वार्ड बॉय मोहन। ये वार्ड बॉय वेनु। हाय। एंड ये है सिस्टर मोनिका। हाय। बहुत दिनों से हम आप लोगों से एक बात करने को मांगता है। हम नर्स लोगों का फर्ज होता है कि हम हर पेशेंट को एक जैसा ट्रीट करें, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा है कि कोई भी ओल्ड पेशेंट वार्ड में ड्यूटी करना नहीं चाहता है। क्यों? मैम, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ओल्ड पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा काम क्या है? हम जानता है कि ओल्ड पेशेंट थोड़ा मूडी होता है, दवाई खाने में दिक्कत करता है, लेकिन हमको सब पेशेंट्स का एक जैसा देखभाल करना मांगता है। मैट्रन, यू नो व्हाट, मैं ओल्ड पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ देम। गुड। हाँ, लगता है बेगम तेरे पास है। काश होती। अगर ऐसी होती ना, कभी नहीं देता। अगर ये इलाज करे ना, तो मरीज कभी भी अच्छा होने की दुआ ना करे। खुराना, ज्यादा खुश मत होना। क्या कल तुझे डिस्चार्ज लेना है, है? फिर मैं ही हूँ। ये क्या क्या कर रहा है? अरे तेरा शुगर बढ़ जाएगा। अरे अब देखता हूँ कौन डिस्चार्ज करता है। हेलो, हाउ आर यू? आई आर नॉट फाइन, इटली। अरे आपका दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। एक्चुअली काफी दिनों के बाद में धड़का है ना, इसलिए। Not a uncle, huh? Hey! Come! Hey, Rose! Itni mehengi dress, latest phone, mehengi car, ek nurse ke liye. How can you afford this, man? Matron, मैं ये सब अफोर्ड करती हूँ क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। लाइफ में मैं जो चाहती हूँ ना, वो मैं करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी छोटी है और ऊपर से जवानी और भी छोटी। Right. तो जो भी करना है अभी करो ना, बाद में बुढ़ापे में पछताने से क्या फायदा। Right. So, high living, high thinking. Good. चले।
हाँ श्वेता, क्या बात है? सुपर डिलक्स रूम खुला है क्या? ये पेशेंट मोटा आसामी है क्या? हाँ, कोई मोटी आसामी होगी, वरना एक पेशेंट के लिए फ्रिज, LCD सभी कुछ मंगाया है, इतना जरूरी तो नहीं था ना? I'll just call you back. I'll just call you back. Excuse me, I am Pramod Tyagi, secretary to Mr. Sunil Bajaj. Is everything done? Yeah. Good. यहाँ पर हेड नर्स कौन है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है. मैं यहाँ की हेड नर्स हूँ, रोज मैथ्यूज. परफेक्ट. मिस्टर बजाज को हर चीज परफेक्ट चाहिए. मेक श्योर कि खाना हाइजीनिक हो. सर को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. वैसे तो सर उनके रूटीन चेकअप्स भी बैंकॉक में करवाते हैं, लेकिन इमरजेंसी थी और डॉक्टर आशुतोष भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इस छोटी सी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी करवाई. उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया. यू बी लीस्ट बॉदर्ड. सर कुछ दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा. मैडम, सुनील बजाज बहुत मोटा मानुस है, बजाज ग्रुप का चेयरपर्सन, न्यूज वालों की नजर रहती है उस पर. बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है, जिसके ऊपर हाथ रख देना उसकी तो किस्मत ही खुल जाए. हाँ, वो मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ेगी. I'll just call you back. मिस्टर प्रमोद, मिस्टर बजाज की वाइफ या कोई फैमिली? इनकी वाइफ की डेथ तो 10 साल पहले हो चुकी है. एक बेटा है, वो भी रशिया में पढ़ रहा है. बड़ी अजीब लाइफ है सर, दिन रात मशीनों की तरह बिजनेस में लगे रहते हैं. प्रोडक्ट लॉन्चेस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, मीटिंग्स, व्हाट नॉट, दिन रात. यू डोंट वरी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूं. थैंक यू सो मच. आपको कोई दर्द तो नहीं है? थोड़ा. It's okay. थोड़ा दर्द तो होगा, आपकी इतनी बड़ी बाईपास सर्जरी जो हुई है. I don't know what happened. Relax. एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, और वैसे भी आपकी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, ज्यादा लोड नहीं ले सकती. गुड मॉर्निंग सर. सर ये कुछ पेपर्स और चेक साइन करने हैं. मार्केट का क्या हाल है? सर बहुत अच्छा है, 2 रुपए 50 पैसे बढ़ गए. मिस्टर प्रमोद, आप प्लीज ये चेक्स यहाँ से ले जाइए. ये हॉस्पिटल है, इनका ऑफिस नहीं, यहाँ कोई काम नहीं होगा. इनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, इन्हें 2-3 हफ्ते का आराम चाहिए. ये काम प्लीज आप संभाल लीजिए, यहाँ इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए. हैदराबाद में मेरी फैक्ट्री लग रही है और मैं यहाँ इस हालत में बीमार पड़ा हूँ. मिस्टर बजाज, काम होता रहेगा, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो ये काम किस काम का? That's my dream project, you know. Don't worry, मैं हूं ना यहाँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और फिर आप बिजनेस को कुछ नहीं होने देंगे. ठीक है. ये कोई खाना है? ये कोई खाना है? इसे देख ही आदमी बीमार हो जाए. मैं पता नहीं, बताया नहीं किसी ने कि मैं कौन हूं. मेरा ड्राइवर इससे अच्छा खाना खाता है. आउट है इसे, आउट. स्टूपिड. श्वेता, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? अरे उस सुनील बजाज को तो बात करने की तमीज ही नहीं है. पैसे वाला होगा तो अपने घर पर होगा, खाना खाने के लिए भी इतनी चिक चिक करता है कि पूछो मत. सॉरी यार, उसे तुम्हें ही झेलना पड़ेगा. श्वेता, श्वेता, मिस्टर बजाज, क्या है ये सब? आपने खाना क्यों नहीं खाया? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो खाली पेट दवाई कैसे ले सकते हैं? But I can't eat this food. ये कोई खाना? हाँ, ये खाना है, और ये आपको खाना ही है. आपको पता है
ये खाना है ना आपके इस कंडीशन के लिए परफेक्ट है, हेल्दी है और आपको डाइजेस्ट करने के लिए भी इजी है हुँ? और इसे मैंने ऑर्डर किया है। रोज मिस्टर बाजार की तबीयत बहुत खराब हो रही है क्या? जल्दी चलो वीनू गो कॉल द डॉक्टर हाँ ठीक है डॉक्टर साहब कहीं नहीं मिले और उनका फोन भी नॉट रिचेबल आ रहा है रोज तुम डॉक्टर की परमिशन के बगैर इन्हें दवाई नहीं दे सकती अगर तुमने इन्हें दवाई दी और दवाई खाने के बाद उन्हें कुछ हो गया या वो मर गए तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी अगर दवाई नहीं दी और अगर ये मर गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा इज फाइन नाउ बिल्कुल ठीक है तुम तो ऐसे घबरा रही थी ग्रेट जॉब ठीक समय पे तुमने सॉबी ट्रेट दे दी एंड इज फाइन नाउ जस्ट टेक केयर ऑफ हिम गेट वेल सून डियर थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचा ली इसमें थैंक्स की क्या बात है एक बात कहूं मिस्टर बजाज लाइफ बहुत ही पेचीदा और आपकी लाइफ इतनी बिजी कोई तो होना चाहिए ना जो आपका ख्याल रख सके आप दोबारा से शादी क्यों नहीं कर लेते अब इस बूढ़े से कौन शादी करेगा और अगर कोई करेगी भी तो वो तुम जैसी होनी चाहिए मेरी जैसी क्योंकि आज तक मुझे इतना कोई नहीं समझ पाया जितना तुम समझ पाए मिस्टर बजाज कहां मैं एक मामूली सी नर्स और कहां आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून अब इस बिजनेस टाइकून के सीने में भी एक दिल है जिसमें सोनेपन के अलावा और कुछ भी नहीं था सच कहूं ऑपरेशन से पहले मुझे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी तुम्हें देखा तो दिल ने कहा फिर से जी ले शादी करोगी मुझसे मैं आपसे रोज ये दिल तो पहले ही बाईपास हो गया है अब इसके जज्बात बाईपास मत करो रोज आई लव यू मेरे जिंदा रहने के अरमान फिर से जाग उठे हैं शादी करोगी ना मुझसे तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ जस्ट चेक वाओ क्या है इसके अंदर ये अरे इतनी जल्दी क्या है रात अभी बाकी है हाँ बाकी है पर छोटी भी है इसलिए कहता हूँ कि जल्दी से इसे बदल कर आओ और हम अपनी इस एनिवर्सरी की रात को और जवान बना देंगे मेरी जान जाओ जल्दी से अभी Thank you.
चलो सर, ये आपके लिए बुक है। थैंक यू। विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम शालू। शालू कौन? जो भी है हमारी रात को बदरंग न कर दे। ओके। वाओ, लगता है सारे शहर को हमारे एनिवर्सरी के बारे में पता चल गया है। जानू कितनी देर है, जल्दी आ जाओ। बस 2 मिनट, आई मैं। अरे इतना भी इंतजार मत करवाओ। पूरे शहर में ना आपके फैंस है, हर एक घंटे में इतने सारे बुकेज आ रहे थे। उन्हीं बुके से एक कमरा सजाया मैंने, अच्छी खुशबू है ना। भाई मुझे तो मेरी रोज की महक ही है काफी पागल बनाने के लिए। अब जल्दी भी आओ, मत इतना इंतजार करवाओ, आओ ना। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सौनकादयः प्रपच्छमुनयः सर्वे सोतं पौराणिकं खलु द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर। ये मिस्टर नटवर हैं, बजाज सर के पर्सनल लॉयर। 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज ही आना पड़ा। मिस रोज, आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। साइन? यस, वी नीड योर सिग्नेचर। क्या है ये? बजाज सर के विल के पेपर्स हैं। रुक जाओ। अरेस्ट कीजिए इसे इंस्पेक्टर, इसने मेरे डैड का मर्डर किया है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये बातें अब आप कोर्ट में कहते रहिएगा, फिलहाल तो आपके नाम का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। ले चलो इसे। क्या कर रहे हो? मैंने छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया, छोड़ो, कहां लेके जा रहे हो? अच्छा मिसेस बजाज, ये बताइए कि मिस्टर बजाज तो आपसे 38 साल बड़े थे, तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? हैं? I still object, Your Honor. इनकी उम्र का मिस्टर बजाज की मृत्यु से क्या संबंध? She was officially married to Mr. Bajaj, that's it. Sustain.
अच्छा ये बताइए मिसेस बजाज, मिस्टर बजाज आपको प्यार करने के लिए व्याग्रा या अराउजिंग पिल्स लेते थे? योर ऑनर, ये कैसे कैसे वाहियात सवाल कोर्ट में पूछे जा रहे हैं? इन सवालों से इस केस के साथ क्या लेना देना है? लेना देना है योर ऑनर, क्योंकि व्याग्रा पिल्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो मिस्टर बजाज की मौत के वक्त उनके बेडरूम में पाई गई थी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, आप अभी बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा मिसेस बजाज ये बताइए कि ये पिल्स मिस्टर बजाज रोज लेते थे या कभी कभी लेते थे? आई थिंक रोज लेते थे मिसेस रोज। योर ऑनर, ये मेरी क्लाइंट बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये एक महिला है और हर महिला की मर्यादा का सम्मान हमें करना ही चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। कोर्ट यहाँ बैठे लोगों से दरख्वास्त करती है कि जिन लोगों का इस केस से कोई सरोकार नहीं है वो कृपा करके कोर्ट से बाहर चले जाएं। अच्छा मिसेस बजाज एक बात और बताइए कि मिस्टर बजाज ये पिल्स अपने आप लेते थे या आप उन्हें इंसिस्ट करती थी? योर ऑनर, ये कैसे कैसे सवाल कोर्ट में पूछे जा रहे हैं? आज के जमाने में सेक्स अराउजिंग की टैबलेट्स लेना या तो वायग्रा की टैबलेट लेना ये बहुत नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात होती ही योर ऑनर, अगर मिस्टर बजाज नॉर्मल होते तो। योर ऑनर वो हार्ट पेशेंट्स थे, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और ये बात मिसेस रोज अच्छी तरीके से जानती थी। इनफैक्ट मिसेस रोज ही उनकी देखभाल कर रही थी योर ऑनर, और उन्होंने ऐसी देखभाल की कि वो मिसेस बजाज हो गई, और वो इसलिए हुई योर ऑनर ताकि वो इनकी दौलत पर कब्जा कर सके। योर ऑनर, ये रही वो ऑटोप्सी रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि मिस्टर बजाज की मौत व्याग्रा की गोली लेने के कारण हार्ट बीट रुकने की वजह से हुई है। मिसेस रोज ने दरअसल अपने पति को जहर देकर मारा है। क्योंकि ये गोलियां उनके लिए जहर का काम कर रही थी योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट, स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरी क्लाइंट के ऊपर फॉर्जरी और मर्डर का गलत इल्जाम लगा रहे हैं। शायद इनको ये पता नहीं है कि रोज ने अपने पति मिस्टर सुनील बजाज की जिंदगी बचाने की कोशिश भी करी है पहले। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं डॉक्टर आशुतोष को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर आशुतोष, उस दिन क्या हुआ आप कोर्ट को प्लीज बताइए। योर ऑनर, मिस्टर सुनील बजाज की हार्ट की सर्जरी के कुछ दिन के बाद अचानक उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया और बाई चांस उस दिन मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। मेरी एब्सेंस में मिस रोज ने मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उनकी जान बचाई थी। डॉक्टर आशुतोष आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जो प्रोफेशन इंसान की जान बचाना सिखाता हो उसी नर्सिंग के प्रोफेशन से मिस रोज निकली है और मेरी क्लाइंट पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने अपनी पति की हत्या करी। अगर इनको अपनी पति की हत्या करनी होती तो पास्ट में उनकी जान क्यों बचाती? पैसा, पैसा योनर, पैसा। दरअसल उन्हें पता रहता था कि उनका कौन सा पेशेंट कितने दिन जिएगा और उसके पास कितनी दौलत है। मिसेस रोज ये बताइए कि गोवा के एंथनी गोंजाल्विस और केरला के मिस्टर नायर की मौत कैसे हुई थी? योर ऑनर, मैं साबित कर दूंगा कि मिसेस रोज की खतरनाक खुशबू से, जहरीली खुशबू से इन्होंने कितने लोगों को बर्बाद किया है, और अपनी बात को साबित करने के लिए मैं विटनेस बॉक्स में इंस्पेक्टर राणे को बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर अनूप नैयर कोची के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी बेटी मेरे बहुत अच्छे दोस्त कृष्णा की पत्नी है। 4 साल पहले मिस्टर नैयर 76 साल की उम्र में कैंसर का ऑपरेशन कराने त्रिवेंद्रम गए थे। जब वो वहां से लौटे तो उसी हॉस्पिटल की नर्स उनकी पत्नी बन चुकी थी, मिस रोज एंथनी। मेरा शक यकीन में तब बदला जब अनूप जी 6 महीने बाद चल बसे, वो भी अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी पत्नी रोज को देकर। जब तक मैं तहकीकात करता, रोज केरला से गोवा शिफ्ट हो चुकी थी अपने अगले शिकार 78 साल के एंथनी गोंजाल्विस के लिए। सर, ये बड़े शैतानी तरीके से बुजुर्ग पेशेंट को फंसाती थी जिनके पास समय कम था, दौलत बहुत ज़्यादा थी, और मौका देखकर उनका काम तमाम कर देती थी।
योर ऑनर, ये रही कुछ तस्वीरें जो इन्होंने अपने पूर्व पतियों के साथ खिंचवाई थी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अनूप को कैंसर था और एंथनी के किडनीज फेल हो गए थे, वो नेचुरल डेथ थे, मैंने उन्हें नहीं मारा। योर ऑनर, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे हुए शातिर अपराधी को बेनकाब करने के लिए मैं ऑनरेबल कोर्ट में एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा योर ऑनर, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। योर ऑनर, मैं इनके सबसे पहले पति मिस्टर रॉबिन को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर रॉबिन, ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि आप दोनों का तलाक कैसे हुआ? सर, रोज पहले से ही बहुत एम्बिशियस थी और मेरी नॉर्मल सी मैनेजर की सैलरी में वो खुश नहीं रहती थी और इसी वजह से हम दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते, कभी सैंडल कभी कपड़े, कि यही सब करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। अच्छा, शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए पैसे नहीं है? हाँ, किस फुक्कर से शादी की है मैंने? बस उस दिन के बाद ये कभी भी नहीं लौटती। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अगर हसरतें बोझ बन जाएं तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हसरतें अगर जुनून बन जाएं तो वो इंसान को कातिल बना देती है। मैंने उन लोगों का खून नहीं किया, सुना आपने? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रुकिए रोज, दो मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। सॉरी रोज, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता हूँ, इस केस से मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपने मुझे आपके पास के बारे में बिल्कुल कुछ बताया ही नहीं। मैंने शादी पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया, क्या करती, बचपन से गरीबी में जीते जीते तंग आ गई थी मैं, अब और नहीं। इसलिए ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए मैंने ये सब किया, मगर मैं खूनी नहीं हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, ट्रस्ट मी। क्या हुआ जगेश जी? कुछ नहीं, यही जुकाम बुखार, पता नहीं कैसे हो गया। इतना ध्यान रखता हूँ, अपना प्रिकॉशन लेता हूँ, कुछ खाया भी नहीं है मैंने ठंडा ऐसा कुछ की। जगेश जी, हो सकता है आपको एलर्जी हो, आप एक काम कीजिए, किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए ना। है आपके पहचान में कोई एलर्जी स्पेशलिस्ट? जी, मुस्कान वेस्टिंग गार्डन। योर ऑनर, मैं फिर से एक बार डॉक्टर आशुतोष को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। डॉक्टर आशुतोष, आप मुझे बताइए, कभी मिस्टर सुनील बजाज ने आपको वायग्रा की कंजम्पशन के बारे में कुछ पूछा है? जी हाँ माय लॉर्ड, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था और मैंने उन्हें 0.5 mg की एक टैबलेट लेने के लिए अलाउ भी किया था, एंड इट वॉज टोटली सेफ फॉर हिम। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, डॉक्टर के अनुसार 0.5 mg की वायग्रा की टैबलेट मिस्टर सुनील बजाज के लिए सेफ थी, हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट इससे बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप मिस्टर बजाज को कब से जानते थे? यही कोई लगभग 15 सालों से। मैं मिस्टर बजाज का फैमिली डॉक्टर हूँ, इनफैक्ट वो मेरे पेशेंट ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि आप मिस्टर बजाज की पूरी फैमिली और फैमिली मेंबर्स के सबकी मेडिकल हिस्ट्री आप जानते होंगे। यस। तो फिर आपने कोर्ट को अब तक ये क्यों नहीं बताया कि मिस्टर सुनील बजाज के बेटे मिस्टर रोहित बजाज डिप्रेशन के मरीज थे और डिप्रेशन के लिए मेडिसिंस भी लिया करते थे? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर डिफेंस, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? ये केस मिस्टर बजाज की मौत का है, ना कि उनके दादा परदादा की मेडिकल हिस्ट्री के गड़े मुर्दे उखाड़ने का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा जाए कि मेरे सवाल पहले खत्म होने दें, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ, तो डॉक्टर आशुतोष, आपने कोर्ट को अब तक ये भी नहीं बताया कि मिस्टर सुनील बजाज अस्थमा के भी मरीज थे? जज साहब, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, और वैसे भी हम लोग अपने पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। Are you sure? Confidential रखते हैं? मतलब कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि नहीं रखते, बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ करते हैं, लेकिन जिसका नाम मेडिकल रिपोर्ट के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में लिखा हो
जैसे मिस्टर बजाज की रिपोर्ट में उनके बेटे रोहित के साथ शेयर किया करता था, स्पेशली उनके हार्ट के ऑपरेशन के बाद। हाय रोहित, गुड न्यूज, सर्जरी इज डन सक्सेसफुली। आई न्यू इट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। मोस्ट वेलकम। अच्छा एक बात और, अब तुम्हें अपने फादर का पहले से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब सिर्फ अस्थमा के नहीं हार्ट के भी पेशेंट हो गए हैं। ओके? आना तो मैं भी चाहता था, मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, अगर ये छोड़ दिए तो पूरे 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। डोंट वरी, हम लोग हैं ना यहाँ पर, मेरा पूरा स्टाफ है यहाँ पर, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अब अच्छा एक बात और, जब भी अपने पापा के हेल्थ के बारे में डिटेल में जानना हो तो आई एम शेयरिंग माई ड्राइव, यू नो, जब भी समय मिले जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच अंकल, बाय। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, रोहित बजाज का डिप्रेशन और मिस्टर सुनील बजाज की डेथ जो कि अस्थमा की वजह से हुई थी, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। मेडिकल टर्म्स की बारीकियों को जानने के लिए मैंने मिस्टर बजाज की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई। अरे जगेश जी, ये कब से है आपको? पता नहीं, 2 महीने में या 1-2 महीने में एक आध बार हो जाता है ऐसा। आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी नहीं, नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, इट इज पॉसिबल, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। आई मीन फूड, फ्लावर्स, प्लांट्स, हर्ब। फ्लावर्स? जी नो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट आई लव फ्लावर्स, मतलब मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, चेम्बर में, सब जगह फ्लावर्स रखता हूँ मैं। इनफैक्ट फ्लावर्स को देख के ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है उससे। ओहो, यू डू? यस। तो कौन से फ्लावर्स पसंद है आपको? यू नो, समय अनुसार मैं फ्लावर्स बदलते रहता हूँ। आजकल देखा जाए तो मेरा दिल डॉक्टर साहब सनफ्लावर्स पे आया हुआ है। सनफ्लावर्स, देयर यू गो। अभी आपने जो भी फ्लावर्स का जिक्र किया है उनमें से सनफ्लावर्स और लिलीज में हैवी मात्रा में पोलन पाई जाती है। पोलन? जी, पराग। और ये पोलन जो होता है ये फूलों के बीच में बसता है और हवा के जरिए किसी के सांस में प्रवेश कर सकता है। And it can be very dangerous. What are you saying? Yeah, yeah. लोगों की मौत भी होती है इससे। In fact, अगर आप देखने जाओ तो ये अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स को इन फूलों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? जी। ये मिस्टर बजाज जिनकी डेथ हो चुकी है, इनकी मेडिकल फाइल है, अगर आप कुछ देख के मुझे बता सके तो। जस्ट लेट मी नो, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दिस रिपोर्ट से। देखिए, किसी भी हार्ट पेशेंट को अगर अस्थमा अटैक हो तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ये देखिए, इनको भी आपकी तरह फूलों से एलर्जी थी। सी दिस? नहीं, मुझे इतना मेडिकल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आर यू श्योर फूलों से इनको एलर्जी थी? 100% श्योर। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जब मैंने सुनील बजाज की बॉडी की पिक्चर्स देखी तो अचानक मेरा ध्यान चारों ओर के डेकोरेटिव फ्लावर्स पर गया। Roses, lilies, sunflowers, all loaded with pollens, जो कि asthmic heart patient के लिए उतने ही खतरनाक है जितना कि heart patients के लिए excessive Viagra's। और ये report पढ़कर मुझे पता चला कि Mr. Bajaj एक allergic patient भी थे। और एक interesting बात Your Honor, Mr. Sunil Bajaj की शादी की anniversary पर जो अलग अलग नाम के बुके आए थे उनको विश करने के लिए, हालांकि वो अलग अलग व्यक्ति ने नहीं भेजे थे बल्कि एक ही व्यक्ति ने भेजे थे, और उसी व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस बुकेस की पेमेंट भी करी थी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुनील बजाज के बेटे रोहित बजाज थे। योरानर, रोहित ने बड़ी चालाकी से अपनी पिता की बीमारी को हथियार बनाकर अपने पिता का कत्ल किया है। दरअसल मिस्टर बजाज अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन दोनों के बीच का फासला और ज्यादा तब बढ़ा जब मिस्टर बजाज ने रोहित को मेडिकल स्टडीज के लिए रशिया भेजने का फैसला किया इनकी इच्छा के विरुद्ध। देखो, तुम पहले इंसान नहीं हो जो अपनी पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट्स से दूर जा रहा है। मैं तुम्हारे अच्छे करियर के लिए ये सब कर रहा हूँ। अच्छे करियर के लिए या अच्छे टाइम पास के लिए? What do you mean? मुझे सब मालूम है, आपके वीक लॉन्ग बिजनेस ट्रिप्स, बैंकॉक, पताया ट्रिप्स। जब तक मम्मा थी तो आपको डर लगा रहता था, अब वो नहीं है तो आप मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हो ताकि आप आजाद हो सको। तुम चुपचाप रशिया नहीं गए ना तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। और मजबूर होकर रोहित को रशिया जाना पड़ा।
और वहां जाके उसको ये पता चला कि मेरी क्लाइंट रोज और बजाज साहब दोनों की शादी हो चुकी है। इसका खून खौलने लगा, इसको वाकई में ऐसा लगा कि कहीं वाकई में मिस्टर बजाज अपनी मिल्कत से इसको बेदखल ना कर दे। और फिर क्या, बेटे के खतरनाक मंसूबे, मेडिकल की पढ़ाई से रची हुई गहरी साजिश और एक बेटे ने अपनी बाप की हत्या कर दी। योर ऑनर, रोहित ने सबसे पहले अपने फादर की मेडिकल हिस्ट्री की जो फाइल थी, जो कि डॉक्टर आशुतोष ने शेयर करी थी, वो फाइल मंगवाई और डिटेल में वो फाइल पढ़ी। वो पहले से जानता था कि उसके पिता यानी कि सुनील बजाज हार्ट के पेशेंट हैं, लेकिन वो फाइल पढ़ने से उसको ये भी पता चला कि मिस्टर बजाज अस्थमा के भी पेशेंट हैं। उसे ये भी पता चला कि मिस्टर बजाज को फूलों के अंदर जो पोलन्स होते हैं, पराग होते हैं, उनसे एलर्जी है, उनसे उनको अस्थमा का अटैक हो भी सकता है। बस फिर क्या था, बेटे में एक जबरदस्त साइड आया। उसने वहां रशिया में बैठे बैठे यहां बजाज साहब के घर पर अलग अलग नाम के बुके भेजे। मेडिकल साइंस में यह भी प्रूव किया गया है कि अगर अस्थमा का पेशेंट अधिक मात्रा में पोलन्स को इनहेल करता है तो कुछ ही सेकंड्स में उसकी मृत्यु हो सकती है, और एग्जैक्टली वैसा हुआ योर ऑनर। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं इंस्पेक्टर प्रताप? मैं इंस्पेक्टर प्रताप को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि मौत हार्ट अटैक से हुई, तो फिर ये अस्थमा अटैक की राम कहानी क्यों गा रहे हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अब ये ऑटोप्सी रिपोर्ट की असलियत क्या है ये प्रूव करने के लिए मैं इनको यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे आइए। हाँ जी सर, तो आप तो ये बता रहे थे कोर्ट को कि मिस रोज को अरेस्ट करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं था, तो फिर आपको इस बार ये सबूत कैसे मिला कि वायग्रा टैबलेट को अधिक मात्रा में यूज करने से उनकी डेथ हुई? बताइए बताइए, कोर्ट को बताइए आप। हेलो रोहित जी, मुझे आपकी डैड की डेथ का बहुत अफसोस है। कुछ पता चला कैसे हुई उनकी डेथ? वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपकी जवान और खूबसूरत सौतेली माँ ने अपने पिछले दो पतियों को मारा है। वैसे ही कुछ किया होगा, पर हर बार की तरह मेरे पास उसके खिलाफ कुछ नहीं, नो एविडेंस। रिपोर्ट क्या कहती है? ऑटोप्सी में तो अस्थमा अटैक बताया, पर बेड के पास मुझे वायग्रा की गोलियां मिली है। तो वो वाकई निकल जाएगी? औरत ना होती तो मार मार के निकलवा लेता। हाँ एक तरीका है, अगर किसी तरह ऑटोप्सी की रिपोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि डैड की डेथ वायग्रा कंजप्शन के कारण हार्ट बीट बढ़ने से हार्ट अटैक से हुई है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आपको उसके खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा और मुझे उसका नाम डैड की जायदाद से हटाने का कारण। आप मुझे ऑटोप्सी रिपोर्ट बदलने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एविडेंस मिल नहीं रहा है तो नया बना लो। वैसे भी पापा के बाद अब बजाज ग्रुप का नया चेयरमैन मैं ही हूँ। अब अगर मुझे फायदा होगा तो आपको अपनी पेंशन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा वादा है आपसे। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मेरे पास उस कॉल्स की रिकॉर्ड्स भी हैं। ये रही वो रिपोर्ट। योर ऑनर, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में इनके जैसे बेईमान लोग हैं, वैसे फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग भी हैं। इन्होंने पैसे के बल पर ऑटोप्सी रिपोर्ट तो चेंज करवा दी, लेकिन ये भूल गए कि ऑटोप्सी रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी हमेशा डिपार्टमेंट में रहती है, और मैं उसी कॉपी को प्रस्तुत करना चाहूंगा। कॉपी दीजिए प्लीज। ये रही वो। इंस्पेक्टर साहब जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर सुनील बजाज के बेटे मिस्टर रोहित बजाज को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ जी, मिस्टर रोहित बजाज, मिस्टर सुनील बजाज के बेटे, आप कोर्ट को ये बताएंगे कि पिछले एक महीने में आपने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग में कितने पैसे गवाए? मैं कभी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता ही नहीं था, मुझे ऑनलाइन गेमिंग का मास्टर बनना था। इस ऑनलाइन के सट्टेबाजी में मैं रशिया में पैसे हारता गया। कुछ गुंडों से मैंने पैसे उधार भी लिए जो मुझे बहुत टॉर्चर किया करते थे, लेकिन डैड भी सिर्फ उतने पैसे ट्रांसफ़र करते थे कि जिससे मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर सकूं। फिर मुझे पता लगा कि डैड ने मैरिज कर ली, उसके बाद तो मेरा दिमाग ख़राब सा हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहेगा, तभी से मैंने सोचना शुरू कर दिया किस तरह डैड को अपने रस्ते से हटाऊं।
इसे कहते हैं समय योर ऑनर। जहां एक बेटा अपने बाप को दुश्मन बना बैठा था, वहीं एक बाप ने अपनी कंपनी के 80% शेयर्स अपने बिगड़े हुए बेटे के नाम कर दिए। और ये विल में साफ साफ लिखा है, और वो विल मैं बताना चाहूंगा आपको। और योर ऑनर, अब रही बात मेरी क्लाइंट मिस रोजी की, तो मैं मानता हूं कि इनकी बढ़ती हुई हसरतों को पाने के लिए इन्होंने अपने से बुजुर्ग लोगों से, जो कि बहुत पैसे वाले थे, उनसे शादी करी। लेकिन इन्होंने उनमें से किसी की हत्या नहीं करी। जब उनको लगा कि उनके पहले हस्बैंड यानी कि रॉबिन की तरफ से पैसे आने बंद हो गए, तो उन्होंने मिस्टर नायर का हाथ पकड़ा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी शान और शौकत से ही जीना चाहती थी। लेकिन मिस्टर नायर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने हाथ थामा मिस्टर एंटोनी का, जो कि दोनों किडनीज फेल होने के कारण मर गए। इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि मिस्टर नायर और मिस्टर एंटोनी दोनों की नेचुरल डेथ हुई, हालांकि मिस्टर बजाज का मर्डर किया गया। अपनी बढ़ती हुई हसरतों को पाने के लिए अगर ये किसी बड़े उम्र के लोग के साथ शादी करती हैं, तो इसमें इनका कोई गुनाह नहीं है। माय क्लाइंट हैज ईच एंड एवरी राइट टू लिव हर लाइफ बेटर। दैट्स इट योर ऑनर। कोर्ट ने रोहित बजाज और इंस्पेक्टर प्रताप को दोषी ठहराते हुए रोहित बजाज को आईपीसी की धारा 34 कॉमन इंटेंशन 464 झूठे सबूत बनाने के लिए 302 हत्या के तहत 25 साल की सजा सुनाई, तथा इंस्पेक्टर प्रताप को धारा 201 सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गुनहगार की मदद करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई, और रोज मैथ्यूज पर लगे सारे इल्जाम खारिज करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.